मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी विगत वर्षों से जन अस्मिता यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। वहीं उनकी अब ये यात्रा गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम पहड़िया में पहुंची है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी विगत वर्ष से जन अस्मिता यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के विभिन्न जिलों में अपनी बात रख चुके तिवारी आज रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम पहड़िया में पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी गोबर प्लांट लगाए, जिससे जहां आवारा पशुओं का रखरखाव होगा, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध होगा। स्थानीय कार्यों में 70% युवकों को रोजगार देने का वादा कर सत्ता लोलुपो ने वादा खिलाफ की है। पहाड़िया में लगे विभिन्न प्लांटों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, जो चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जन अस्मिता यात्रा के माध्यम से आप कोरोना काल के पहले भी आप पहुँचे थे, अभी आपकी आवाज़ें कहाँ तक अभी विषय संगत है या बताने का कष्ट है? ये जन अस्मिता यात्रा विगत वर्ष से प्रारंभ हुई थी। इस बीच रीवा संभाग में हमारा पहले फोकस था, कोरोना काल के समय क्योंकि पब्लिक मीटिंग के लिए अनुबंध सरकार नहीं प्रतिबंधित कर सकती, इसलिए ये हमारी यात्रा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, दतिया, छतरपुर, पन्ना और रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर के साथ कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा तक की यात्रा पहुँची। अब मैं और मेरे जन अस्मिता के सभी साथी लोग, ये इनका प्रण है कि पूरे एक महीना, जिसमें 2 से 3 सभा, कोई दिन गैप नहीं होगा। इतनी डिमांड आ रही है कि हम रीवा जिले को पहले 100 जनसभाएं करेंगे, और 100 जनसभाएं जब रीवा में हो जाएगी तब रीवा संभाग और बाहर जाएंगे, ताकि जन जन तक ये बात पहुँच जाए। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद जहाँ हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारा कार्यकर्ता बेरोजगार है, समाज के उन लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ये जन अस्मिता यात्रा इतनी बड़ी रूप लेके बदलेगी कि जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में रीवा जिले में गोबर प्लांट लगे, पूरे हमारे सैनिकों का आयोग मध्य प्रदेश में गठन हो, हमारा विंध्य प्रदेश राज्य जो पूरे भारत को भी और मध्य प्रदेश को 25% अकेले रेवेन्यू दे रहा है, उसको अलग राज्य का दर्जा मिले, और स्थानीय समस्या जिसमें राजस्व प्रकरण से के साथ साथ ज्वलंत समस्याएं हैं, उनके तमाम निराकरण की दिशा में हम काम कर रहे हैं, इसी का हमारा सपना। युवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पहाड़िया में आज पहुंचे थे आप, यहाँ स्थानीय मुद्दों पर आपका क्या कहना है? स्थानीय मुद्दों पर यहाँ के स्थानीय लोगों से धोखाधड़ी हुआ है, चापलूसी हुई है, बेईमानी हुई है, कभी हाई कोर्ट की बात कह के, कभी विकास की बात कह के यहाँ के लोगों को लेबर तक सीमित किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको यहाँ पे काम नहीं दिया जा रहा है, स्थानीय युवाओं को यहाँ पे काम नहीं दिया जा रहा है, यही तो हमारा मुद्दा है। इसीलिए मैं युवाओं से अपील करने निकला हूँ कि आप एकत्रित हो जी, बाकी फिर इनकी मैं रंगत जितकी है सरकारों की, और जो इनके दादागिरी चल रही है यहाँ तथाकथित विधायक पूर्व मंत्री और तमाम लोगों की, इनकी दादागिरी हम ठीक करेंगे, परंतु हमको साथ चाहिए। पहाड़िया के लोग, कछेरा के लोग, सहरा के लोग, यहाँ चारों तरफ जो अगल बगल है, यहाँ के लोगों को छला गया है, यहाँ के लोग को बेरोजगार करने का एक षड्यंत्र भी किया है, और यहाँ के लोग स्थानीय इकाइयों पर जहाँ जहाँ बेरोजगार लग रहे हैं, इसमें कम से कम 70% रोजगार दिया जाए, ये हमारी मांग है। अगर ये बात हमारी प्रशासन तक पहुंची तो उनके होश गायब हो जाएंगे कि आज नहीं तो कल इस मांग को हम पूरा करा के रहेंगे, और तरह तरह जो मची है इसका समाधान। पंचायतों में लक्ष्मण भैया आप संघर्ष करो। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN न्यूज।